उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिला अस्पताल में 18 दिनों से अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे राम सुरेश वर्मा राष्ट्रीय प्रभारी राष्ट्रीय किसान मोर्चा 2 अप्रैल भारत बंद और SC ST एक्ट पर बड़ा खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुजन क्रांति मोर्चा पूरे भारत में बहुजन समाज के सभी छोटे बड़े संगठनों को इकट्ठा करके वर्तमान में खड़ी सवर्णों की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए काम कर रहा है, पर ऐसा ना हो इसलिए कांग्रेस और BJP के लोग हम किसानों SC ST और OBC एवं माइनॉरिटी को आपस में भिड़ाने में लगे हैं। आइए दिखाते हैं आगे की पूरी सच्चाई। साथियों जय मूल निवासी, साथियों यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ राष्ट्रीय किसान मोर्चा के किसान प्रभारी जी यहाँ पर आज करीब 18 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और आपकी उनसे कुछ बातचीत करवा रहे हैं। हाँ सर, जय मूल निवासी। साथियों आज पूरे देश में एकता कायम करने के लिए माननीय मेसराम साहब इंटरनेशनल प्रेसिडेंट पांची नेशनल प्रेसिडेंट के भारत में मोर्चा के नेतृत्व में बहुजन क्रांति मोर्चा का 31 राज्यों और 550 जिला मुख्यालयों का ये रैली प्रदर्शन धरना हो रहा है। ये 2 अप्रैल की जो देश में घटना घटाई गई भगवा धारियों आतंकवादी मोदी और भाजपा की सरकार के द्वारा निर्दोष SC ST को मारा गया, उनको मुकदमे में निर्दोष फंसाया जा रहा है, उपद्रव किसी और ने किया और फंसाया जा रहा है SC ST के लोगों को, इन्हें जेल में नाजायज तरीके से बंद किया गया है। इस मुद्दे को लेकर के बहुजन क्रांति मोर्चा का आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। राष्ट्रीय किसान मोर्चा इस बहुजन मुक्ति पार्टी में पूरे देश में शामिल है। मैं तो 3 अप्रैल 2018 से 11 बजे रात में प्रशासन द्वारा ब्लास्ट PAC एवं पुलिस बल फोर्स के साथ मुझे अस्पताल में डाला गया है। 18 दिन से मैं आमरण अनशन पर हूँ और किसानों मजलूमों गरीबों के हक हकीक की लड़ाई लड़ रहा हूँ और पूरी देश से मुझे समर्थन मिल रहा है। भारत मुक्त मोर्चा ने प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश को ये नोटिस भेजा समर्थन में, हम उनका आभारी हैं। आज मुझे बड़े मजबूती से पूरे SC ST OBC माइनॉरिटी का हमें समर्थन हासिल हो रहा है। साथियों हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं नोवानी साहब का, जिनके नोवानी साहब का जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के ये वरिष्ठ सदस्य है, ये 3 और 10 दस्तूर बचाने के लिए इसके हाथ कायम करने के लिए ये रात दिन लगे हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो आज हमारे मजलूमों के लिए जो लड़ाई निशान साहब लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। और साथियों ये जो सबसे हमारा दुर्भाग्य हमारे मूल निवासियों का 2004 से जो EVM मशीन लगाई गई है, EVM मशीन ही सबसे बड़ी कारण है आने वाले 2019 में। साथियों राष्ट्रीय किसान मोर्चा 15 लाख बूथों पर EVM मशीन तोड़वाएगा और खुद हम तोड़ेंगे अपने बूथ पर। आप सभी लोगों को क्रांतिकारी अभिवादन, जय मूल निवासी। और आज हम इस बहुजन क्रांति मोर्चा अम्बेडकर नगर में अस्पताल से जिला अस्पताल से ही संपूर्ण समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं। जय मूल निवासी, जय भारत मुक्त मोर्चा, जय बहुजन क्रांति मोर्चा। अभी सर आपने एक बात कही थी कि ये जो हॉस्पिटल का नाम है, हॉस्पिटल का नींव जो है बसपा गवर्नमेंट में रखी गई और नाम भी रखा गया है ज्योतिबा राव फूले संयुक्त चिकित्सालय। महापुरुष के नाम का स्टैचू नहीं है, ये स्टैचू लगना चाहिए था, भव्य लगना चाहिए था, जैसे हर महापुरुषों का है। तो ये ज्योतिबा फूले सामाजिक क्रांति के प्रणेता थे, शिक्षक के अग्रदूत थे, शिक्षा के अग्रदूत थे, इन्होंने भारत में शिक्षा की अलग जगाई। ऐसे महापुरुषों का अपमान बसपा गवर्नमेंट ने किया और सपा गवर्नमेंट किया, बस भाजपा क्यों लगवाएगी, तो दुश्मन है। फिर भी हमने
कल तारीख 11 था उनके जन्म दिवस पर, इसी वर्ष से हमने ज्योतिराव फुले का जन्म जयंती मनाया, जन्म दिवस मनाया और यहाँ चित्रवर माल्यार्पण पर किए। सारे लोग शाम तक आते रहे बारी बारह, चूंकि मैं इमरजेंसी रूम में सारे लोग आ रहे हैं, हम इमरजेंसी नहीं है, ये आंदोलन का रूप ले रहा है। अगर जल्द मामला हल नहीं किया गया जी, तो ये अस्पताल जो है ये आंदोलन स्थल हो जाएगा, पेशेंट को नुकसान पहुंच सकता है। इसके जिम्मेदार विवेक मिश्रा जिला अधिकारी कलेक्टर होंगे। अगर कोई अपनी घटना मरीजों के साथ घटती है उसका लापरवाह जिला प्रशासन संवेदनहीन अखिलेश सिंह जिला अधिकारी होंगे, ये हम हमेशा बता रहे हैं और यही सत्य है वो होंगे। और हम उनको बचने वाले नहीं हैं, जब तक उनका ट्रांसफर नहीं हो जाता है। विवेक मिश्रा एस डी एम सदर अकबरपुर के खिलाफ एफ आई आर दर्ज नहीं होगा तब तक हम भी अमरावती नहीं। ये दो मुद्दे हमारे और एड हो गए हैं, ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राज्यपाल को ये नोटिस चला गया है, ये उनको नोटिस दे करके हम अब पांच मुद्दों को लेकर बैठे हैं साथियों। ये मुद्दा पांच है, डीएम कौन कौन से, ये नंबर ये एक मुद्दा, वो जो तीन मुद्दा पहले हमने इसमें बता दिया है, तो पूरी जनता ये किसानों मूल निवासी किसानों का करोड़ों रुपया हड़प करके 2009-10 से ये प्रशासन बैठा, पीछे प्रबंधक बैठे। दूसरा ये सुहेलदेव का मूर्ति फाड़ करके कैदखाने में कैद है, ये पुलिस कोतवाली में इसकी रिहाई के लिए हमारा मुद्दा है, जो बीएमपी के समर्थन में 46 दिन से बीएमपी धरना प्रदर्शन कर रहा है उसके समर्थन में जी, है। तीसरा मुद्दा है छात्र छात्राओं का, ये छात्रा कुमारी बंद्रा का ये छात्रवृत्ति 3 वर्ष का 14-15-15-16-16-17 नहीं दिया गया। साथियों ये प्रशिक्षक जो बीटीसी के ट्रेनिंग कर रहे हैं बीटीसी का, ऐसे तमाम हमारे ओबीसी के साथ भेदभाव हो रहा है और किसी को 48,000, किसी को 36, किसी को 20, किसी को 3,990 रुपया, किसी को 3,1800 दिया जा रहा है। ऐसे अब सारे छात्र हमारे जो प्रशिक्षु छात्र हैं वो सारे लोग अच्छे मिलकर, अभी परसों हमारे पास आई थी टीम, हमने उनका लिया, हमारे नाम से संबोधित पत्र हमको दिए, वो हमने तुरंत हैंड ओवर यहाँ कर दिए हैं पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ये जगन्नाथ पांडे जी को। और तत्काल प्रभाव से हमने कहा कार्यवाही करके मुझे गेट नंबर 15 वार्ड नंबर 3 ये इमरजेंसी रूम में भिजवा दे, कार्यवाही को अभी तक भिजवाया नहीं गया है। और आज हम रिमांडर भी वहाँ भी भेजेंगे, वो बच्चे तमाम बच्चे आ रहे हैं, अभी भीड़ लग जाएगी तो इसका जिम्मेदार हम नहीं होंगे, इसका जिम्मेदार जो भी घटना घट गया अगर अफसान घटती हुई उसके जिम्मेदार SDM विवेक मिश्रा और DM अखिलेश सिंह होंगे।